A very good morning all of you. How are you? I hope you all are fine and healthy. And how your study going on? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? I hope your study must be going well. आशा है कि आप अपना सारा काम पूरा कर रहे होंगे और साथ में सब लर्न भी कर रहे होंगे. Yes, students. Today I will teach you subject EVS. चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नेम है गुड मैनर्स एंड हैबिट्स. सो टेक आउट योर ईवीएस नोटबुक पेंसिल एंड इरेजर. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ द हार्ड वर्ड्स एंड देन यू विल राइट डाउन देयर हिंदी मीनिंग इन योर नोटबुक. यस, आपको क्या करना है, आपको हार्ड वर्ड्स जो हैं अपनी नोटबुक में लिखने हैं और साथ में उनका हिंदी मीनिंग भी लिखना है. सो चिल्ड्रन लेट्स स्टार्ट. अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको डेट डालनी है. यस, टुडे इज़ अ 18. यस, आज डेट है 18. सो यू हैव टू राइट द डेट. आपको डेट डालनी है एंड चैप्टर नंबर लिखना है आपको. यस, चैप्टर नंबर 19 एंड नेम लिखना है गुड मैनर्स एंड हैबिट्स. उसके बाद आपको हार्ड वर्ड्स लिखना है. ओके, यस, क्लियर. सबसे पहला हार्ड वर्ड जो है, यस, फर्स्ट नंबर का हार्ड वर्ड है RESPECT, रिस्पेक्ट. यस, इसको लिख लीजिए इंग्लिश में रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट का मीन्स होता आदर. किसी का, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, टीचर का रिस्पेक्ट करना, यानी कि आदर करना. यस, उसका हिंदी मीनिंग है आदर. यस, लिख लिया आप लोगों ने. सेकंड है ELDER, एल्डर. यस, ELDER, एल्डर मीन्स क्या होता है, बड़ा. एल्डर मीन्स बड़ा. आप लोगों ने लिख लिया बेटा इंग्लिश भी और उसकी हिंदी भी. यस, थर्ड है आपका मीनिंग NEVER, नेवर. नेवर मीन्स कभी नहीं. यस, नेवर मीन्स कभी नहीं. उसकी हिंदी मीनिंग है कभी नहीं. यस, अब फोर्थ वाला जो है हार्ड वर्ड्स है PROPERLY, प्रॉपरली मीन्स, यस, ठीक से. PROPERLY, प्रॉपरली. प्रॉपरली मीन्स ठीक से. इसका हिंदी मीनिंग है ठीक से. यस, नेक्स्ट एंड फिफ्थ हार्ड वर्ड इज MEET, मीट. यस, MEET, मीट. एंड उसका हिंदी मीनिंग क्या है, मीट मीन्स मिलना. यस, मीट है इंग्लिश वर्ड और उसका हिंदी मीनिंग है मिलना. यस, नेक्स्ट आएगी हम सिक्स्थ पे. सिक्स्थ हार्ड वर्ड है SNEEZ, स्नीज. यस, स्नीज मीन्स छींक. छींकना होता है, छींकते हैं जब उसको हम बोलते हैं स्नीज. यस, इट क्लियर. सेवन्थ हार्ड वर्ड है HEAR, हियर. यस, हियर मीन्स सुनना. हियर मीन्स सुनना. यस, क्लियर. एट्थ हार्ड वर्ड है QUEUEQ. यस, क्यू मीन्स कतार. लाइन में जो खड़े होते हैं उसे हम बोलते हैं क्यू. उसका हिंदी मीनिंग है कतार. यस, क्लियर हुए आपको. आप लोगों ने सारे हार्ड वर्ड्स लिख लिए और उनके हिंदी मीनिंग भी लिख लिए. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द हार्ड वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, हिंदी मीनिंग. आप लोगों को सारे हार्ड वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे और उनके हिंदी मीनिंग भी क्लियर हो गए होंगे. चिल्ड्रन रीड एंड लर्न दीज हार्ड वर्ड्स विद देयर हिंदी मीनिंग. आपको ये सारे हार्ड वर्ड्स लर्न करने हैं, उनके हिंदी मीनिंग भी लर्न करने हैं. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को आज की ही डेट डालनी है और आपको हेडिंग डालनी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. देयर आर फोर क्वेश्चन आंसर्स. फोर क्वेश्चन आंसर्स हैं. आई विल एक्सप्लेन यू ईच क्वेश्चन एंड देयर आंसर. मैं आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी और उसका साथ में आंसर भी एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट, क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन नंबर वन. रेड लाइन के बाहर लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन वन है व्हाट डू यू से व्हेन यू स्नीज. यस, क्या क्वेश्चन है, व्हाट डू यू से व्हेन यू स्नीज. आप क्या कहते हैं जब आप छींकते हैं. आंसर है, यह आंसर है, आई से एक्सक्यूज मी व्हेन आई स्नीज. क्या कहते हैं आप, सो मुझे माफ़ करें. क्या हुआ, जब आपने छींका तो आपने एक्सक्यूज मी बोला, यानी कि आपने माफ़ी मांगी छींकने पर. यस, ये मैनर्स हैं. आपको छींकने वक्त क्या करना है, आपको एक्सक्यूज मी बोलना है. ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू से व्हेन यू वांट समथिंग. जब आप कोई भी चीज़ किसी से मांगना चाहते हैं, कोई भी चीज़ चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं. आंसर इज,
आई से प्लीज व्हेन आई वांट समथिंग, जब आप किसी से कोई भी चीज़ मांगनी है आपको तो आप उसको क्या कहेंगे, उसको प्लीज कहेंगे। क्लियर हुआ? क्या कहते हैं, आई से प्लीज व्हेन आई वांट समथिंग। थर्ड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू कीप योर थिंग्स, आप अपनी चीज़ों को अपने सामान को कैसे रखते हैं। ये आंसर इज आई कीप माई थिंग्स प्रॉपरली, आप अपनी चीज़ों को अपनी सामान को कैसे रखते हैं, ठीक से रखते हैं, फेंक कर नहीं रखते हैं, उनको अपने प्लेस पर सही जगह पर रखते हैं। इज इट क्लियर? फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू से व्हेन यू गेट समथिंग, जब आपको कोई चीज़ देता है, आपको कोई चीज़ मिलती है किसी से, टीचर देती है या पेरेंट्स देते हैं या आपके फ्रेंड देते हैं, तो आप क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से। आंसर इज आई से थैंक यू, आप कहेंगे थैंक यू, धन्यवाद कहेंगे, व्हेन आई गेट समथिंग, जब आपको कोई चीज़ मिलेगी तो आप दूसरे पर्सन को क्या कहेंगे, थैंक यू कहेंगे। इज इट क्लियर चिल्ड्रन, आप लोगों को क्लियर हुए? ये 4 क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और उनको रीड करके लर्न भी करना है। क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को आज की ही डेट डालनी है और आपको हेडिंग डालनी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देयर आर 4 क्वेश्चन आंसर्स, 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं। आई विल एक्सप्लेन यू ईच क्वेश्चन एंड देयर आंसर, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी और उसका साथ में आंसर भी एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट, क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1, रेड लाइन के बाहर लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है व्हाट डू यू से व्हेन यू स्नीच, यस, क्या क्वेश्चन है, व्हाट डू यू से व्हेन यू स्नीच, आप क्या कहते हैं जब आप छींकते हैं। आंसर है आई से एक्सक्यूज मी व्हेन आई स्नीच, क्या कहते हैं आप, मुझे माफ़ करें, क्या हुआ जब आपने छींका तो आपने एक्सक्यूज मी बोला, यानी कि आपने माफ़ी मांगी छींकने पर। यस, ये मैनर्स हैं, आपको छींकने वक्त क्या करना है, आपको एक्सक्यूज मी बोलना है, ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू से व्हेन यू वांट समथिंग, जब आप कोई भी चीज़ किसी से मांगना चाहते हैं, कोई भी चीज़ चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं। आंसर इज आई से प्लीज व्हेन आई वांट समथिंग, जब आप किसी से कोई भी चीज़ मांगनी है आपको तो आप उसको क्या कहेंगे, उसको प्लीज कहेंगे। क्लियर हुआ? क्या कहते हैं, आई से प्लीज व्हेन आई वांट समथिंग। थर्ड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू कीप योर थिंग्स, आप अपनी चीज़ों को अपने सामान को कैसे रखते हैं। ये आंसर इज आई कीप माई थिंग्स प्रॉपरली, आप अपनी चीज़ों को अपनी सामान को कैसे रखते हैं, ठीक से रखते हैं, फेंक कर नहीं रखते हैं, उनको अपने प्लेस पर सही जगह पर रखते हैं। इज इट क्लियर? फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू से व्हेन यू गेट समथिंग, जब आपको कोई चीज़ देता है, आपको कोई चीज़ मिलती है किसी से, टीचर देती है या पेरेंट्स देते हैं या आपके फ्रेंड देते हैं, तो आप क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से। आंसर इज आई से थैंक यू, आप कहेंगे थैंक यू, धन्यवाद कहेंगे, व्हेन आई गेट समथिंग, जब आपको कोई चीज़ मिलेगी तो आप दूसरे पर्सन को क्या कहेंगे, थैंक यू कहेंगे। इज इट क्लियर चिल्ड्रन, आप लोगों को क्लियर हुए? ये 4 क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और उनको रीड करके लर्न भी करना है। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।